हमारी जिंदगी में दो टाइप के लोग होते हैं। एक टाइप के ऐसे लोग जो हमारे पीठ पीछे हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं और हमारे सामने से भी अच्छी बातें करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे हेल्थ के लिए समवॉट अच्छे होते हैं और लेट्स से कि अच्छे ही होते हैं। देन दूसरे टाइप के लोग आते हैं जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुरी बातें करते हैं और हमारे सामने से बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। तो जब ऐसी बातें वो हमारे सामने मीठी मीठी जब बातें करते हैं तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुनने से हमारे बॉडी के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो जब हम ऐसी मीठी बातें हद से ज्यादा सुन लेते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है डायबिटीज। तो आज के इस वीडियो में इसी डायबिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो है वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें तो डायबिटीज एक वन ऑफ द डिजीज है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को होता है। तो ये जो डिजीज है बेसिकली वो रिलेटेड है ब्लड शुगर लेवल के, मतलब जब हमारे खून में शुगर की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को, इस डिजीज को कहा जाता है डायबिटीज। और डायबिटीज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मेनली फोकस करें तो डायबिटीज जो बीमारी है वो रिलेटेड है विद वन हार्मोन नोन एज इंसुलिन। तो इंसुलिन की डिफिशियंसी की वजह से, मतलब अगर एक पर्सन के बॉडी में इंसुलिन कम है या फिर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इसकी वजह से ये बेसिकली डायबिटीज मेलिटस डिजीज होता है। तो ये जो डायबिटीज है वो दो टाइप का डायबिटीज होता है, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज है वो जेनेटिक है, मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है, आपको हो गया, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को होगा, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है। आपके फैमिली में अगर किसी को है तो वो फर्दर जैसे पास होता है तो इस चीज को कहा जाता है कि ये जेनेटिक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स, उस बीटा सेल्स मतलब जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं हमारे पैंक्रियाज में, तो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एक पर्सन के बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता। और लेट्स से कि ये जो टाइप वन डायबिटीज होता है वो बाय बर्थ होता है, मतलब जब से एक पर्सन जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही उसे जो डायबिटीज होता है तो उसे कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ये उसकी लाइफ पीरियड में उसे होता है तो उसे कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज। और टाइप 2 डायबिटीज के रीजंस हो सकते हैं कि उसकी खराब लाइफस्टाइल, उसका एक्सरसाइज न करना, मतलब फिजिकल एक्टिविटी न होना और दूसरे बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो डायबिटीज होता है उसे कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज। और मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग हैं उन्हें ये टाइप 2 डायबिटीज होता है, टाइप 1 जो डायबिटीज है वो बहुत ही कम लोगों को होता है। तो इस तरह से डायबिटीज को डिवाइड किया जाता है, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। फिर से आपकी समरी के लिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आखिर इस टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। तो टाइप 1 जो है वो बाय बर्थ होता है और जो कि जेनेटिक है, और टाइप 2 जो है वो उसके लाइफ स्पैन में उसे उसकी बुरी लाइफस्टाइल की वजह से होता है। और अगर हम इस टाइप 1 डायबिटीज की बात करें तो इसमें पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इसी तरह से ये थी कुछ बातें अबाउट डायबिटीज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस डायबिटीज का मतलब क्या है, उसके टाइप्स क्या है और आखिर ये डायबिटीज क्यों होता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नए वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।